जो आज हो रहा है ये मेंबर्स की सबकी एक डिमांड पर हो रहा है बेसिकली, और एक ये सामायिक चीज है, बहुत बड़ी इस समय की पुकार थी ये, जिसमें हम लोग जो है आज सब लोग यहाँ मंथन करने के लिए उठे कि किस तरह से अपने इंडस्ट्रीज को, अपने साथियों की इंडस्ट्रीज को और वर्किंग को किस तरह से बचाया जाए और कैसे आगे सुगमता से चलने के लिए राह अपनी प्रखर की जाए। सबसे महत्वपूर्ण विषय है आज इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल, जो कि किसी भी तरीके से 60 से 70% कॉस्ट करता है ऑफ द टोटल आउटपुट, जो वैल्यू एडिशन हम लोग करते हैं उसका। आमतौर पर एक अगर थंब रूल माने तो 60 से 70% का वो कॉस्ट फॉर्म करता है, और उसमें इस तरह से आग लगी हुई है कि बिल्कुल एक्सप्लोसिव हुआ हुआ है वो। और हम लोगों के लिए, खासतौर से उन लोगों के लिए जो कि कॉन्ट्रैक्ट में बाउंड है, जो सरकारी कॉन्ट्रैक्ट में टेंडर में बाउंड है, टेंडर सप्लाईज हैं, जिन्होंने वर्क कॉन्ट्रैक्ट लिए हुए हैं, उन सब के लिए बहुत ही एक ये टेढ़ी खीर हो गई किस तरह से वो कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करें और नुकसान से बाहर रहें। तो इस इतने महत्वपूर्ण विषय पर, जिसमें अस्तित्व दाय पर लगा हुआ है आज के समय के हिसाब से, उस विषय पे आज हमारे साथ मॉडरेट करने के लिए सबसे पहले अशोक जी हमारे अध्यक्ष, उसके बाद नीरज सिंगल जी हमारे सीनियर वीपी बात करेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग एक ओपन हाउस में सबकी सलाह और सबकी डिस्कशन इसमें लेंगे कि एक्जेक्टली किस तरह की वर्किंग हमें करनी चाहिए और किस तरह अपने कॉन्ट्रैक्ट में, अपनी डील्स में, अपने सिस्टम में क्या क्लॉजेज डालें जिससे सरकार से बचे रहे, हम क्लेम कर सकें या कुछ कार्यक्रम इस तरह के पूरे कर सकें। इवन इन प्राइवेट सेक्टर बहुत से ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हैं जो कि ऑनर करना, बायर चाहता है कि वो पुराने रेट में मिले और कमिटमेंट मांगता है, और यहाँ जेब में दाने नहीं है, पूरे कहाँ से कर देंगे जब खरीद नहीं आ रही। तो इस चीज को, इस बहुत बड़े महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए मैं इन्वाइट कर रहा हूँ हमारे अध्यक्ष श्री अशोक अग्रवाल जी को। अध्यक्ष जी प्लीज। धन्यवाद दिनेश जी। स्क्रीन पर सभी लोग जो मुझे दिखाई पड़ रहे हैं, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सभी को मेरा नमस्कार। विशेष रूप से अनिल भाई साहब, पंकज जी एवं सभी चैप्टर चेयरमैन, सभी पदाधिकारीगणों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। काफी गंभीर विषय है इस समय। कुछ लोगों ने तो जो टेंडर भरे हुए हैं उतने का खाली रॉ मटेरियल भी नहीं मिल रहा है, और काफी समस्या का कारण बना हुआ है सब कुछ। पहले मेंशन में पीवीसी होता था, प्राइस वेरिएशन क्लॉज लगाया करते थे, वो लगने बंद हो गए हैं, जिसकी वजह से आज हमें ये दिन देखना पड़ रहा है। हर चीज में, चाहे वो प्लास्टिक दाना हो, चाहे वो तांबा हो, चाहे लोहा हो, स्टील हो, कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसके रेट बहुत ज्यादा ना बढ़े। बहुत ज्यादा नहीं, चीजों के रेट तो पिछले 3-4 महीनों में 50-60-70-75% बढ़ चुके हैं। लोगों का एक, जिन्होंने टेंडर भर रखे हुए हैं, काफी प्रॉब्लम में आ गए हम लोग। क्या किया जानना चाहते हैं हम लोगों का, एक सामूहिक रूप से किस तरह से इस पे प्रयास हो, सब लोग मिलके कहाँ क्या प्रयास करें, संस्था को क्या करना है, इस पर हम लोग मंथन कर रहे हैं। तो उन चीजों पर भी सोचना चाहिए कि क्या हम लोग जब टेंडर लेते देते हैं उस समय उसके रॉ मटेरियल को क्या हम लोग बल्क में परचेज करना चाहिए, उसकी परचेजिंग पर हम लोगों को अपने इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे शायद रास्ते हैं, कुछ एजेंसियां हैं वो सहयोग करती हैं, या कोई ऐसा प्लेटफॉर्म भी बनाए कि हम लोग बल्क में भी कोई चीज परचेज करने सोचे हैं कि भाई हमने जैसे रिक्वायरमेंट निकाली कि कितना टन लोहा अपने को चाहिए है, किसी कंपनी से बार्गेन करें इकट्ठा, तो इससे क्या फायदे मिल सकते हैं भविष्य में, वो सारी चीज सोचने की है जो आप लोग हमें गाइड करेंगे, बताएंगे जो चीजों से जूझ रहे हैं, परेशान हैं, और किस दिशा में हम लोगों को आगे चलना है, किस दिशा में आगे जाना है। मैं चाहूंगा कि एक गंभीर विषय है, अच्छा मंथन होगा, कि इसकी कोई वेबिनार की तैयारी नहीं थी, लेकिन कुछ लोग डिमांड की गई, समय की मांग है, तुरंत इस पर 3-4 दिन के अंदर वेबिनार के बारे में सोचा गया और इमीडिएट आप लोगों से संपर्क किया गया। इसी की वजह से आज हम लोग सब एक साथ बैठे हैं और इस काम को कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि कुछ अच्छे रिजल्ट आने चाहिए, कुछ अच्छी बातें निकल के आनी चाहिए। धन्यवाद। आगे दिनेश जी।
हेलो जी, हाँ जी आवाज, हम आगे बढ़ाएंगे अपनी बात को, जिससे आपको ओपन हाउस करना है या नीरज जी से बात करनी है, जिससे भी बात करनी। हाँ नीरज जी, मैं अब इनवाइट करूंगा नीरज जी को, जो एक पीपीटी के माध्यम से और जो रिस्पॉन्सेज आए हैं मेंबर्स के अभी तक, उनके विषय में एक चर्चा करके एक ब्रीफिंग सेट करके उसके बाद फिर ओपन हाउस को ये अध्यक्ष जी के उसमें सौंपेंगे। कृपया नीरज जी प्लीज, कृपया अपना जो भी गूगल फॉर्म के माध्यम से और चीजों के माध्यम से जो रिस्पॉन्सेज और स्टडीज आई हैं, कृपया शेयर करें। धन्यवाद हमारे गुप्ता जी, हमारे पंकज गुप्ता जी, और मैं समझता हूँ अपने साथी, अपने विभिन्न चैप्टरों से उपस्थित चैप्टर चेयरपर्सन, सेंट्रल ऑफिस, हमारे सीईसी मेंबर्स, और सबसे इम्पोर्टेंट सीईई के मेंबर्स, जैसे अध्यक्ष जी ने बताया और जैसे अभी चर्चा हो भी रही थी, कि कहीं ना कहीं आज की तारीख में एक जो ज्वलंत समस्या है, जिस पे हमारे पास्ट प्रेसिडेंट्स और हमारे प्रेसिडेंट अशोक जी ने इस चीज के ऊपर तुरंत एक्शन लेते हुए ये विचार किया कि इसके ऊपर हमें एक्शन एज ए एसोसिएशन क्या लेना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं एसोसिएशन का इम्पोर्टेंट रोल होता है कि जो समस्याएं उसका निराकरण करें। तो मैं समझता हूं हमने एक गूगल फॉर्म सभी अपने मेंबर्स के बीच में सर्कुलेट किया था और लगभग हमें 42 रेस्पॉन्स अभी 10 मिनट पहले तक भी हमारे पास रेस्पॉन्स आए हैं, लगभग 42 रेस्पॉन्स हमें टोटल मिले हैं। इन 42 रेस्पॉन्सों की मैं प्रेमलता से कहूंगा, प्रेमलता एक बार डिस्प्ले भी कर देंगे तो अच्छा रहेगा। इन 42 रेस्पॉन्सों में हमने जो क्वेश्चंस रखे थे, उन क्वेश्चंस को हमने समराइज किया। उन क्वेश्चंस में सबसे पहले हमने एक क्वेश्चन ये रखा था कि केंद्र एवं राज्य सरकारों को क्या हमें ठोस सुझाव भेजकर उस पर उचित स्तर पर बैठके करनी चाहिए क्या। तो इसमें लगभग 41 जनों ने सहमति दी है और एक ने मना किया है। और समस्या दूसरा हमारा प्रश्न जो था वो था कि समस्या की गंभीरता एवं उसके समाधान के लिए आईएए के सुझाव प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने चाहिए या नहीं। उसमें भी लगभग 37 जनों ने हमें यस कहा है और 5 जनों ने मना किया है। खैर वो उनका अपना पर्सनल व्यू हो सकता है। ऐसी जब हमने इसमें और उनसे पूछा कि जनरली कौन कौन से प्राइस बढ़े हुए हैं और कितनी परसेंटेज बढ़ी हुई है, तो एक समराइज वे में जो हमारे सामने फिगर आई, अगर हम देखें तो हमने इसमें लगभग 6 कैटेगरी में डिवाइड किया है। 20% तक किसमें प्राइस बढ़े हैं, 20 से 40% तक किसमें बढ़े हैं, 40 से लेकर 60% तक प्राइस कितने किसमें बढ़े हैं, किन किन आइटम्स में बढ़े हैं, 60 से लेकर 80% तक किन किन आइटम्स में बढ़े हैं, और लगभग 80% से ज्यादा और 100% तक, और कुछ ऐसी भी आइटम्स है जैसे अभी आलोक भाई साहब भी बता रहे थे कि जो 100% से भी ज्यादा जिनकी प्राइस बढ़ गई है। डेफिनेटली मैं समझता हूँ ये एक चिंता का विषय है हम सबके लिए। इसमें शायद ही कोई मटेरियल ऐसा हो जो इस समय में बचा हुआ हो। इसी के जब हमने इसको ग्राफ के उसमें दिया तो मैं आपको 42 के 42 रेस्पॉन्स बताना चाहूंगा। लगभग 40 से 60% ऐसे मतलब जो ग्रोथ हुई है, प्राइस जो बढ़े हैं जिनके, उनके लगभग 30 हमारे मेंबर्स ऐसे जिनके रॉ मटेरियल के प्राइसेस लगभग 40 से 60% तक बढ़ गए हैं। अगर हम इनका एन एवरेज निकालें तो एवरेज निकलने के बाद आप ये देखेंगे कि 60 से 70% के बीच में लगभग हर एक चीज के प्राइस बढ़ गए हैं। अब सबसे बड़ी चिंता का विषय जो अपने एमएसएमई के साथ है वो ये है कि मैंने माल तो बेच दिया, अब माल बेचने के बाद कुछ लोग हम लोगों के कॉन्ट्रैक्ट्स बेसिस पे काम करते हैं, उनको प्राइस एस्केलेशन क्लोज
जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पीछे बंद कर दिया था और उसी की देखा देखी स्टेट गवर्नमेंट ने भी बंद कर दिया था, और उसी की देखा देखी जितने भी प्राइवेट सेक्टर्स में हम सप्लाई करते हैं जनरली प्राइस वेरिएशन क्लोज खत्म सही है। तो आज सबसे बड़ा विषय ये है कि हम किस तरीके से अपना माल बेचे, और बेचे तो उसको हम कब तक निगेटिव प्रॉफिट में बेचे, निगेटिव उसमें बेचे, ये बड़ा चिंता का विषय हमारे सामने आया है। और ये देखने में भी आ रहा है कि लगभग सभी इंडस्ट्रीज में प्राइस की हाई हुई है। फिर इसके ऊपर जैसे जब हमने इसके ऊपर विचार किया तो कुछ सजेशन हमने मांगे कि क्या क्या सजेशन आपके हिसाब से होने चाहिए। तो दोस्तों आप सबकी जानकारी के लिए, और बहुत अच्छे सजेशन आए हैं कि हमें किस तरीके से क्या क्या चीजें किस तरफ एक्शन लेने की जरूरत है। जैसे मैं कुछ आपके सामने रखना भी चाहूंगा, हमारे जो बौद्धिक मेंबर्स हैं उन्होंने अपने अपने व्यूज रखे। जैसे उसमें सबसे पहले उन्होंने कहा कि हमें रिप्रेजेंटेशन करना चाहिए एमएसएमई, जितनी भी एमएसएमईज को ये प्रॉब्लम आ रही है उसका हमें सरकार में सेंट्रल लेवल पे और स्टेट लेवल पे रिप्रेजेंटेशन करना चाहिए। गवर्नमेंट शुड एक्ट ऑन प्रॉब्लम ऑफ ब्लैक मार्केटिंग। कहीं ना कहीं ये भी देखने में आ रहा है कि कुछ कार्टल्स बना के, कुछ विशेषकर बड़ी कंपनियां कार्टल बना के उस पे जिस तरीके से रेट बढ़ रहे हैं और ब्लैक मार्केटिंग स्टॉकिस्ट के द्वारा हो रही है, वहां पे आर्टिफिशियल स्कैरसिटी भी खड़ी की जा रही है। और फिर जो लेटर सेलिंग, जो प्राइस पर वो मांगता है उस प्राइस पे हमें माल खरीदना पड़ता है। तो इस पे गवर्नमेंट को कहा गया कि भाई, मतलब एक विचार ये भी आया, गवर्नमेंट टू लुक इनटू द इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट पॉलिसी एंड शुड बैन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स विच आर ओवर प्राइज्ड विद इमीडिएट इफेक्ट एंड इम्पोज लेस इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन इट ऑन द आइटम्स गेटिंग स्केस, जो आइटम कम हो गए। फोर्थ पॉइंट इसमें आया, गवर्नमेंट शुड पुट ए लिमिट ऑन प्राइजेस एंड अप्लाई प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म। एक और विचार आया, एमएसएमई मिनिस्ट्री शुड आस्क पब्लिक सेक्टर यूनिट्स फॉर एग्जांपल सेल नालको टू प्ले मॉडरेटिंग रोल एंड टू सप्लाई स्टील एंड एल्युमिनियम एट कॉस्ट प्लस रीजनेबल प्रॉफिट। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। और कुछ और सुझाव जो आए उसमें से एक सुझाव ये भी था कि गवर्नमेंट शुड इंसर्ट प्राइस वेरिएशन क्लॉज इन क्लोज टेंडर विदाउट विच वर विदाउट प्राइस वेरिएशन क्लॉज अवॉइडेड आफ्टर 2018। हम सबको मालूम है दोस्तों, कई बार प्राइस वेरिएशन क्लॉज अगर नहीं होता है तो उसमें बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। तो यहाँ पे जो भी 2018 के बाद अवार्ड हुए हैं टेंडरों में, उनको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से अगर हो सके तो हमें गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करना चाहिए कि उनके टेंडर्स में प्राइस वेरिएशन क्लोज इम्प्लीमेंट हो। गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड रॉ मटेरियल टू एमएसएमई ऑन सब्सिडीज, सब्सिडाइज प्राइजेस, ये भी एक सुझाव आया हमारे पास। Government should force the bank to increase CC limit by 20% to mitigate the working capital crisis in MSME. एक सुझाव ये भी आया। Liquidity for MSME needs to be improved so that business get easy loan and investors who are pumping in money and investing in speculation get the loans easily. एक सुझाव। Next slide please. कुछ और सुझाव भी आए जिसमें एक सुझाव था, इंडस्ट्री शुड लर्न एंड एजुकेट इटसेल्फ टू हेज देयर रिस्क ड्यू टू प्राइस शॉक्स थ्रू कमोडिटी एक्सचेंज। हम सबकी जानकारी में कमोडिटी एक्सचेंज से हम कई बार मेटल को हेज कर सकते हैं। स्टॉप फीचर कमोडिटी ट्रेडिंग ऑफ एमसीएक्स एंड एनसीडीएक्स, ये भी मेरे ख्याल से स्टॉक फीचर होना चाहिए था यहाँ पे। Commodity price increase in a global phenomena and government support
and proper controls should be put in place to mitigate the crisis situation being faced by MSME. The एक दूसरा और सुझाव आया था, एंटायर इंडस्ट्री शुड बी लुक टू कॉल अटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट, जो कि मेरे ख्याल से असंभव सा है बट सुझाव आया तो हमने आप सभी के सामने ये रखा. अर्जेंट नीड टू प्रोवाइड इंडस्ट्रियल गैस पाइपलाइन कनेक्शंस टू रिप्लेस कोल और अदर फ्यूल्स स्पेशली इन स्टील रोलिंग मिल्स. दिस इज इको फ्रेंडली एंड विल रिड्यूस पॉल्यूशन एज वेल एज रनिंग कॉस्ट. एक सुझाव ये भी आया जो इंफ्रास्ट्रक्चर में इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं कोल के कारण भी प्राइसेस काफी बढ़ रहे हैं. मैं समझता हूँ समराइज वे में हमारे पास जो 42 गूगल फॉर्म के माध्यम से आप सभी लोगों के सुझाव आए वो हमने आपके सामने रखे. जैसे अध्यक्ष जी का हम सब आपस में डिसीजन करके इसके ऊपर क्या एक्शन लेना है, किस तरीके से हमें आगे वो करना है, उसके ऊपर हम आपस में चर्चा कर लेते हैं. मैं अपने शब्दों को यहीं विराम करता हूं और दिनेश भाई सबसे निवेदन करूंगा कि वो आगे की कार्यवाही के बढ़ाए. हाँ, धन्यवाद नीरज जी, बहुत अच्छी तरह आपने सारी चीजों को समराइज किया. अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा अध्यक्ष जी से कि मैं वन बाय वन जो भी मेंबर्स अध्यक्ष जी को संबोधित करके अपनी बात कहना चाहें प्लीज वेलकम करते हैं. सर मैं मेरे पास जो नाम है उनके हिसाब से रवि पटोड़िया जी, सर आप कुछ कहना चाहेंगे? धन्यवाद. मैं भदोही में हूँ और कारपेट मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ, एक्सपोर्ट करता हूँ. और मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है सर. रवि भाई आपकी आवाज बहुत जोर से आ रही है, बहुत शानदार आ रही है, बहुत अच्छी आ रही है भाई साहब. कैसे बात कर सर? और जो ऑब्जर्वेशंस हैं, जो समरी आप लोगों ने प्रेजेंट की है वो समरी बिल्कुल सही है. देयर इज ए ऑल राउंड इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ऑल द इनपुट्स आर कॉस्ट ऑफ इनपुट्स आर इंक्रीजिंग. क्वेश्चन है कि इसका सॉल्यूशन क्या है जिसके ऊपर हम चर्चा करने बैठे हैं. तो अपने अनुभव से मैं ये कह सकता हूँ कि जिन चीज़ों के ऊपर में सरकार का कोई डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है, उसके अंदर सरकार से कोई हेल्प एक्सपेक्ट करना मेरे अंदाज से बहुत अप्रोप्रिएट नहीं होगा. इंडस्ट्रियल इनपुट्स हैं, आज मान लिए कहीं से लोहा आ रहा है, कहीं से एल्यूमिनियम या कोई भी चीज़ आ रही है, मान लिए प्लास्टिक आ रहा है, दाना आ रहा है, सबके ग्लोबल या डोमेस्टिक अपने अपने कंपल्शंस हैं, उनके भी इनपुट कॉस्ट बढ़ी हुई है. जो लोग मान लिए स्टील दे रहे हैं तो उनके भी इनपुट कॉस्ट बढ़ी हुई है. या फॉर एनी पर्पज ऐसा मुझे नहीं लगता है कि पीछे से जहाँ से रॉ मटेरियल आ रहा है वो लोग बहुत एक्सट्रीम प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हों, ऐसा मुझे नहीं लग रहा है. उनके भी अपनी समस्याएं होंगी. तो अभी हम लोग को देखना यह है कि हम लोग सर्वाइव कैसे करें, इस बढ़े हुए कॉस्ट स्ट्रक्चर में सर्वाइव कैसे करें. तो ये जो पॉइंट है आपका, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे लगा, ऑल्दो मैं इस बिजनेस में नहीं हूँ, टेंडरिंग वाले बिजनेस में, पीवीसी वाला, कि आईआईए को यूनाइटेडली एक स्ट्रॉन्ग फ्रंट खड़ा करना चाहिए कि जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं या प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, उसके अंदर में पीवीसी क्लॉज वापस अप्लीकेबल करवाया जाए. ये एक बहुत बड़ा स्टेप होगा और इससे सारे व्यापारियों को बहुत बड़ी रिलीफ मिल सकती है जो रिलीफ पहले मिला करती थी. और ये एक पॉलिसी मैटर है और इसके अंदर गवर्नमेंट भी इंटरवीन कर सकती है और हम लोग यूनाइटेडली अगर फाइट करें तो शायद कुछ अचीव कर सकते हैं. बाकी उसके अलावा तो हम लोग को फोकस करना पड़ेगा अपने कॉस्ट कंट्रोल के ऊपर में, कि जहाँ जहाँ कॉस्ट रन है उसको सेव करना पड़ेगा. एक फ्यूल एक ऐसा मैटर है जहाँ गवर्नमेंट का हाथ है, आज चाहे डीजल है, चाहे पेट्रोल है, चाहे पावर है, चाहे कोल है, ये गवर्नमेंट कंट्रोल्ड इनपुट्स हैं. इनके लिए हम गवर्नमेंट से बात कर सकते हैं कि भाई इनके प्राइसेस कम की जाएं टू सेव द इंडस्ट्री. उसके बाद एक ऑप्शन ये हो सकता है कि हम गवर्नमेंट से कोई सब्सिडी मांगे, जो कि मुझे लगता नहीं है कि सब्सिडी किसी प्रकार से गवर्नमेंट इस समय देने की स्थिति में है. तो यही बात है जो मैं अभी रवि भाई बहुत बढ़िया बात आपने कही कि हम पॉजिटिव चल रहे हैं और डिफरेंशिएट किया दो जनों के बीच में. एक ओपन मार्केट जो कंपल्सन है, एक गवर्नमेंट सप्लाईज में या जो भी टेंडर सप्लाईज हैं, और उसमें हम कहीं ना कहीं प्राइस एस्केलेशन क्लॉज को, फोर्स मेजर क्लॉज को और जिस टाइप के क्लॉजेस हो सकते हैं अपने इंडस्ट्रीज को बचाने के लिए,
और लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स ना करें, ये बढ़िया बात आपकी आई। और नाउ आई इनवाइट सुनील सिंघल साहब। सुनील सिंघल साहब प्लीज आप बताएं। मेरा सबसे ये अनुरोध रहेगा कि हम लोग अनम्यूट कर लें। नहीं अनम्यूट भी कर लें, काफी लोग हैं, काफी लोगों के क्वेश्चन है, तो रिवाइज ना करें अपनी अपनी बात को, बस शॉर्ट में कहते जाएंगे तो समराइज करके फिर सबको बात करें। सर सर प्राइस के स्टील के प्राइस बढ़ने से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम इंडस्ट्री के अंदर आई है, जिन्होंने टेंडर दे रखे हैं वो टेंडरों के अंदर भी दिक्कत आ रही है, कोई प्राइस वेरिएशन क्लॉज नहीं है। जैसे अभी रवि पटौदिया जी ने सजेशन दिया है, मैं बस उसी बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि आईएए स्ट्रॉन्ग इसमें बोले कि प्राइस वेरिएशन क्लॉज टेंडरों में डाला जाए दोबारा से, जिससे कभी भी प्राइस बढ़ने पे इंडस्ट्री को प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। बहुत बढ़िया बात सर। प्राइस एस्केलेशन क्लॉज के अलावा कोई और पॉइंट को लाना चाहते हैं तो प्लीज अपनी बात कहें। सर इस टेंडर के अंदर, टेंडर बिजनेस के अंदर प्राइस वेरिएशन क्लॉज के अलावा और कुछ हम गवर्नमेंट से डिमांड नहीं कर सकते कि जो वो हमारे टेंडर में इंक्लूड कर दे। बाकी कंपटीशन के में टेंडर तो सब लोग डालते हैं और प्राइस में सबका मैचिंग करके वो लोग टेंडर देते हैं। प्राइस वेरिएशन क्लॉज रहेगा तो उससे कंचे हम लोग इजीली है ना कंचे अपनी अपने प्रोडक्ट को सेल ऑफ कर सकेंगे और जितना भी लॉसेस है उसको कवर कर सकेंगे। सर अनिल गुप्ता साहब प्लीज। हाँ दिनेश, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही सर, आप गो अहेड। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सर, आ रही है, आप आगे बढ़िए। अच्छा सर, अच्छा देखो ये एक मुद्दा है जो बिल्कुल करंट है और मेरे ख्याल से आज की तारीख का सबसे ज्यादा विषम स्थिति है उद्योग की। ये जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्राइस हाइक है, ये जो चीज है ये कोई रेगुलर वाली बढ़ोतरी नहीं है, ये बिल्कुल एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन है, इसीलिए एक इमरजेंसी में मीटिंग बुलाई गई है। दो तीन चीजों से इसमें देखना पड़ेगा। सबसे पहला देखना पड़ेगा कि हमें इसके कारण को देखना चाहिए कि ये क्यों हुआ है। ये बहुत बड़े विषय हैं कि इसमें इंपोर्ट, इंटरनेशनल मार्केट, नेशनल इशू, इंटरनेशनल इशू, हमें एक इसके ऊपर पूरी स्टडी करनी चाहिए। और उसके बाद इमरजेंसी तौर पे मैं बहुत सारे लोगों से बात हुई जो प्राइवेट बिजनेस में, वो तो ये कह रहे हैं कि साहब कुछ हमारी बातें बातें होके हमारे कस्टमर से हम लोग कुछ एडजस्टमेंट तो कर लेते हैं। लेकिन बड़ा मुद्दा है जो सरकार की परचेज है, सरकार की परचेज में भी प्राइस वेरिएशन क्लॉज कुछ में है, कुछ में नहीं होती है, कुछ में वो अलाउ नहीं करते हैं। और कुछ प्राइस वेरिएशन क्लॉज जो है वो बहुत प्रैक्टिकल भी नहीं है। मेरे समझ से जो इमीडिएट सोल्यूशन हमें सरकार के पास जाना चाहिए। अभी नीरज सिंघल 2018 की बात कर रहे थे, मुझे मालूम नहीं है कि 2018 का बेंचमार्क क्यों होना चाहिए। हमें ये देखना पड़ेगा कि कोई भी स्थिति इमरजेंसी की बात होनी चाहिए। जो इमरजेंसी क्राइसिस है, जो इंस्टेंट है हमारे सामने, उसमें प्राइस वेरिएशन ही एक ऐसा क्लॉज है, एक स्टैंडर्ड क्लॉज बन जाए जिनमें है या नहीं है। सरकार एक स्टैंडर्ड क्लॉज बनाए और सब जितने भी टेंडर्स हैं, जो पेंडिंग टेंडर्स भी होंगे 2018 के जो अभी चल रहे होंगे, उनके ऊपर इसको उसको जरूर मिलना चाहिए। और वही एक सोल्यूशन लगता है। देखिए ना तो कोई सब्सिडीज की बात हो सकती है, ना कोई और बात। दो चीजें जो हम मांग सकते हैं, मैं जो तीन चीजें मेरा सुझाव है, एक तो स्टडी में ये देखना चाहिए कि इसके कारण क्या है, नंबर वन, क्योंकि जब हम कोई भी रिपोर्ट बनाएंगे सरकार के पास कारण के पास जानना पड़ेगा। और दूसरा हमारा सुझाव जो उसमें होगा, सुझाव यही हो सकता है, एक तो ये है कि प्राइस वेरिएशन क्लॉज स्टैंडर्ड हो और जो उसको कवर कर ले और उद्योग का इतना बड़ा नुकसान ना हो जाए। क्योंकि जो आपने जो भी चार्ट वर्ट दिया था उसके अनुसार 40-60% 80-100% में जो जो रॉ मटेरियल चले गए होंगे, मैं ये समझ ही नहीं पा रहा हूँ कोई भी उद्योग उसको कैसे आगे की सप्लाई कर सकता है और कैसे उसको आगे अपना काम ही कर पाएगा, सोच ही पाएगा। इसलिए इसके ऊपर एक बना के प्राइस वेरिएशन क्लॉज की बात करनी है, नंबर वन। नंबर टू, इसमें हमें इमीडिएटली बैंकिंग को कहना चाहिए, क्योंकि रॉ मटेरियल्स की इतनी कीमत बढ़ गई है, उसमें फाइनेंशियल सपोर्ट भी देनी चाहिए। क्योंकि आगे भी जो काम करना होगा, ये हो भी जाएगा तब भी आपको फाइनेंशियल कोई सपोर्ट मिलनी चाहिए, आपके लिमिट्स हैं वो एनहांस होनी चाहिए। ये मेरी समझ से इमीडिएट मेरी जो वो मेरी तरफ से नोट कर सकते। बहुत बढ़िया बात आपने कही। एक तो रीजन स्टडी होना चाहिए,
जिससे कि सॉल्यूशन के हम नजदीक पहुंच सके। दूसरा फाइनेंशियल सपोर्ट, ये एडिशनल पॉइंट आपने रखे, बहुत बढ़िया बात सर आपने बोली। मैं राजीव बंसल जी जो एक्सपोर्ट में इन्वॉल्व हैं वो किस तरह से देख रहे हैं इसको, प्राइस इसको कैसे एक्सपोर्ट की ऑब्लिगेशन, कृपया राजीव जी, राजीव बंसल जी आर यू एबल टू हियर मी, कोई और एक्सपोर्ट से जुड़ा हुआ वो हमें अपनी। मैं एम के अग्रवाल कुछ कहना चाहता हूँ। बताइए साहब, एम के अग्रवाल साहब। मैं बोलूँ? हाँ बोलिए। अच्छा, जैसे हम लोग का ट्रांसफार्मर का हम लोग सप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को हम लोग ट्रांसफार्मर देते हैं, तो हमारे हर टेंडर में वेरिएशन क्लॉज होता है। वो वेरिएशन क्लॉज से आप कभी भी ट्रांसफार्मर दीजिए, उससे जो मार्केट में जो ऊपर नीचे होता है उसका इफेक्ट नहीं आता है, वो कंपनसेट हो जाता है। और एक ही कॉन्ट्रैक्ट कई के तीन तीन चार चार साल चलता रहता है, और उसमें हम लोग को नुकसान नहीं लगता, फायदा ही होता है। दूसरा उसके अंदर एक ये है कि एक महीने पहले के रेट से वो लेते हैं, जबकि जो इस समय जो करंट सिनेरियो चल रहा है इसमें करंट मंथ के ही पीवी रेट लेने चाहिए। जो जो रेट लिए जाएंगे इंक्रीज या डिक्रीज में, वो करंट मंथ के लेने चाहिए, क्योंकि इस समय बहुत पर डे चेंजेस आ रहे हैं रेट में। बस इतना हमारा सजेशन है, जो प्राइस वेरिएशन क्लॉजेस डाले जाए उसके अंदर करंट रेट के एवरेज प्राइस लिए जाए, ना कि पिछले महीने। कोई और अपनी बात, पंकज सर, पंकज जी हैं। इसका कोई दूसरा सलूशन है ही नहीं सिवाय प्राइस वेरिएशन क्लॉज के, राइट सर? मुझे बस इतना ही कहना। थैंक यू दिनेश जी। मैं कुछ बोलूं अगर ज्यादा तो पंकज कुमार सर। दिनेश जी धन्यवाद। एक्चुअली जो मेन पॉइंट कुछ कहना चाहता था, जो मेन पॉइंट जो है वो यही है कि प्राइस जो जितने भी गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट हैं वहां पर प्राइस वेरिएशन क्लॉज की बात सब लोग ही कह रहे हैं। अभी एम के अग्रवाल जी ने बताया ट्रांसफार्मर के अंदर है, लेकिन ट्रांसफार्मर में भी सिर्फ दो या तीन आइटम पे हैं महेंद्र अग्रवाल जी, एक तो कॉपर पे है और दूसरा सिर्फ ऑयल पे है। तो इन दो की वजह से आज सीआरजीओ आपकी स्टील इतनी बढ़ गई है, उसमें भी प्राइस वेरिएशन क्लॉज गवर्नमेंट को हमें बताना चाहिए कि जरूरी है। स्टील बहुत बढ़ गया, नहीं न्यू ट्रांसफार्मर में सारे आइटम है, उनमें सीआरजीओ भी है, स्टील भी है, लेबर भी है, न्यू ट्रांसफार्मर सब है। अब वो उसी क्लॉज को रिपेयर में भी डाल सकते हैं, और साथ में जैसे एक पॉइंट बढ़ा तो उसमें 1.1 होना चाहिए, जो हमारा स्टील टुकड़ा कोल में लोग डालते हैं, अगर एक पॉइंट बढ़ाए तो उसके ऊपर 1.1 गवर्नमेंट देती है, तो वो थोड़ा सा चेंज तो बाकी को कंपनसेट कर लेता है। वो न्यू ट्रांसफार्मर के साथ कराएं। मेरा सिर्फ इतना कह रहा था कि अदर देन ट्रांसफार्मर्स और बहुत सारी कमोडिटीज ऐसी हैं जहां पर प्रोक्योरमेंट होता है गवर्नमेंट के अंदर, वहां पर भी प्राइस वेरिएशन क्लॉज पूरी तरह से लागू होनी चाहिए। और एक नई चीज बहुत देखने में आई है, जो आजकल आफ्टर हाइक इन प्राइस जो भी टेंडर हो रहे हैं सप्लाईज के अंदर, स्पेशली जो छोटे छोटे आइटम्स हैं या कुछ तरह के आइटम हैं, उसके अंदर पुराने रेट्स को रेफर करते हुए उसके अंदर 12-15-20% से ज्यादा वो वेरिएशन नहीं देते, और जो नए टेंडर वो फाइनल करने जा रहे हैं उसके अंदर भी ये दिक्कतें आ रही हैं। तो हमें जो दोनों पॉइंट नीरज जी ने भी बताया, और मेरे ख्याल ज्यादातर लोग सभी उसमें पक्ष में हैं, कि हमें गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, स्पेशली पीएसयूज ऑफ गवर्नमेंट स्टेट यूपी गवर्नमेंट, हमें उन लोगों को स्ट्रॉन्ग इस चीज के लिए बताना चाहिए कि नए रेट को, इस रेट्स की रीस्ट्रक्चरिंग करनी चाहिए, ना कि वेरिएशन को हमें बढ़ा देना चाहिए सिर्फ। क्योंकि रीस्ट्रक्चरिंग करना इसलिए बहुत आवश्यक है कि पुराने रेट मान लो कोई 100 रुपए था और आज 400 रुपए किलो है, तो गवर्नमेंट के यहाँ पर बड़ा अजीब तरह का एक प्रोविजन है कि साहब इससे ज्यादा, इतने परसेंट से ज्यादा ये रेट नहीं बढ़ाए जा सकते, नंबर वन। नंबर टू, जैसा कि बताया कि जो ये रेट्स जो भी कमोडिटीज हैं उनका, जैसे हमारे ट्रांसफार्मर के अंदर है ईमा लागू हो जाता है, लेकिन कुछ कमोडिटीज ऐसी हैं जिनके बारे में हमें रेट्स कहीं से हमें मिल ही नहीं पाते, तो उसको ऑथेंटिकेटेड गवर्नमेंट से ऑथेंटिकेटेड एजेंसीज होनी चाहिए जो हर रेट के बारे में लगातार इसके बारे में प्रचार करे, जिससे कि हम उस रेट को लेके और गवर्नमेंट के पास जा सके। तीसरा बैंक से संबंधित है, जैसा अनिल जी ने भी बताया, मैं उसको आगे बढ़ाते हुए,
कि बैंक को हमें वर्किंग कैपिटल के लिए सेम जिस कंडीशन में आज हमें मिली हुई है, गवर्नमेंट से इतनी रिक्वेस्ट हमें करनी चाहिए, बैंकों से इतनी रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि हमारी 25-30-50% तक हमारी जो है वर्किंग कैपिटल बढ़नी चाहिए। दीज आर द थ्री थिंग्स। तो गवर्नमेंट को हमें लगातार परसू करना चाहिए अपना मैटर, और साथ साथ हमें अखबारों के माध्यम से, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के माध्यम से, हर एक चैप्टर के अंदर इस चीज के बारे में जागरूकता पैदा करनी चाहिए। थैंक यू। सेक्रेटरी साहब, मैं कुछ बोलना चाहूंगा अभी, चल खुबेले। मैं समझता हूँ सर, इजाजत तो मैं भी कुछ बोलूं। जिसके हैंड रेज हैं उनको बोलना दें प्लीज, जिनके हैंड रेज पहले। हाँ, वाईके गुप्ता साहब रायबरेली से। सर, वाईके गुप्ता साहब कुछ बोलना चाहते हैं रायबरेली से। मैं फिर कह दूं, जिनके हैंड रेज सीरियल से उनके हिसाब से बोलने देंगे, ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, बोलिए सर। मैंने बहुत करा हुआ है। कोई बात नहीं, आप बैठे रहिए आराम। चलिए, हाजी भाई के गुप्ता जी बोलिए सर। भाई के गुप्ता जी, आपको अनम्यूट करना होगा अपने को। आपने अनम्यूट किया था मैंने तो, शायद आपके एंड से नहीं हुआ है। अब आ रही होगी आवाज जी। एक्चुअली प्रॉब्लम जो लग रही है मुझे, एक तो जो गवर्नमेंट परचेजेस है, इवन प्राइवेट परचेजेस आर गोइंग थ्रू जेम पोर्टल, एंड माय पर्सनल इज दैट नंबर ऑफ पीपल हु हैव कम इन इनटू द लाइन इन टेंडरिंग आर अनअवेयर। कई टेंडर्स ऐसे हुए हैं जेम पोर्टल पे जो आता है, इंक्लूडिंग जीएसटी आता है। आई हैव लॉस्ट सम टेंडर्स ऑन द रेट्स बेसिस बिकॉज दे हैड कोटेड विदाउट जीएसटी बेसिक रेट्स, और वो जाके फिर हमारे कस्टमर के, माय मेन कस्टमर इज बीएचईएल सपोज, वहां जाके कहते हैं सर हमारा तो गलती हो गई। तो कहते हैं देयर इज नो प्रोविजन फॉर ब्लैक लिस्टिंग ऑफ दोस हु आर नॉट एबल टू सप्लाई। कई जगह ऐसा है कि पर मीटर है या पर किलो का वेरिएशन भी आए। इवन आई हैव इनकर्ड लॉसेस कि आई एम सप्लाइंग एन आइटम पीस ऑफ 2.5 मीटर्स एंड आई कोटेड पर मीटर एंड दैट रेट वाज पर पीस, सो आई लॉस्ट अ लॉट ऑफ टाइम सप्लाइंग दोस आइटम्स। गवर्नमेंट का जो हम सपोर्ट चाह रहे हैं कि ऐसा, मैंने पहले अपने इसमें एक डाला था पोस्ट में, BHEL बेंगलोर has floated a big tender of about 10 crores for solar because BHEL is going into big way into solar projects. पहला जो टेंडर किया उन्होंने उसमें डाला विद द प्राइजेशन क्लॉज, और जब उन्होंने देखा कि प्राइसेस आर गोइंग अप, नेक्स्ट टेंडर वाज विदाउट प्राइजेशन क्लॉज। इट मींस नोइंगली, इट वाज नॉट अनोइंगली, इट वाज नोइंगली दैट हमें क्या करना है। बाकी टेंडर के बहुत माइक्रो हो जाएगा सर, हमें मोटा मोटी बताइए की हमें क्या करना है। तरफ से नजर नहीं आ रहा है बिकॉज गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस knowingly PVC clause हटा रही है। और हम रिवर्स ऑक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, तो आई डोंट नो whether the government will be able to help us. I doubt it, sir. Thank you, sir. मेरा मुख्य विषय था कोयले की बढ़ती हुई कीमतों पे। कोयले की प्राइस इस टाइम जो है आप सारे लोग देख रहे हैं कि 2.5 से 3 गुना बढ़ गई है, और इसमें काफी कुछ हाथ जो है वो इंपोर्टेड कोयला जो हम लोगों के पास आता था, जो कोयला हमें हम यूएस का कोयला और इंडोनेशिया का कोयला यूज करते थे, वो कोयला उसके ऊपर जो सी फ्रेट है उसकी हाइक हो गई, और हमारा एक्सपोर्ट भी जो होता था उसमें कंटेनर की प्राइस आप सारे लोग देख रहे हैं कि 10 times, लगभग 10 times जो है वो हायर हो गई है। तो हमें गवर्नमेंट को इसके बारे में जो है लिखना चाहिए जरूर कि इंडस्ट्रीज की जो है, पहले ये हम लोगों की लिंकेज बना के रखते थे और फिक्स प्राइस पे हमें कोल मिलता था, कोलरीज से हमारी सेटअप हो जाती थी। फिर बीच में जब कोयला इन्होंने ओपन टू सेल कर दिया कि कोई भी कहीं भी किसी से ले सकता है, मार्केट में ओपन कोयला मिल रहा था, तो उस पॉलिसी को उन्होंने जो है वो कैंसिल कर दिया था। तो मेरा सुझाव एक ये है कि कोयले की लिंकेज जो है वो फिर से बननी चाहिए,
और किस तरह से सी फ्रेट जो हाई हो गया है वो गवर्नमेंट कैसे कंट्रोल करेगी, इसके बारे में तो हम उनको नहीं सुझाव दे सकते, वही जो चाहे वो कर सकते हैं। दैट्स इट। मैं कुछ बोलूं सर? अशोक जी भराइट से प्लीज। अशोक जी भराइट से बोलें प्लीज। मटन एलिया साहब अपना म्यूट अनम्यूट करिए प्लीज। जी नमस्ते सर, आवाज आ रही है सर? हाँ बोलिए प्लीज। हाँ मैं बहराइच से अशोक माता नेरिया बोल रहा हूँ। मैं दाल मिल की मशीन बना और एक्सपोर्ट वगैरह भी करता हूँ। मेन इसमें प्रॉब्लम यह है कि स्टील की प्राइसेस जैसा सबको मालूम है 45 रुपए से 95 रुपए हो गई है, और ऑर्डर्स जो हमारे पास पहले के हैं वो उनका एग्जीक्यूशन बहुत मुश्किल हो रहा है। एनी वे वो तो हम करेंगे ही, लेकिन इसमें सजेशन ये है कि अगर हमको सेल से कुछ कोटा बंधवा दिया जाए, जैसा कि पहले 10 साल पहले भी सेल से कोटा मिलता था स्टील इंडस्ट्रीज को, तो उसमें जो है हम लोगों की कुछ प्राइसेस में एक कॉम्पनसेट हो जाती हैं। और दूसरा जो है हम लोगों को पहले IPRS मिलता था, जो इंटरनेशनल प्राइस रीइंबर्समेंट स्कीम होती है, जो एक्सपोर्ट करते थे उसके ऊपर स्टील का प्राइस डिफरेंस मिलता था, तो एक वो भी नहीं है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हमारे ये रिक्वेस्ट है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रेकमेंड किया जाए कि IPRS दे दें और सेल से जो है आयरन एंड स्टील के अलॉटमेंट करा दें। बहुत बड़ी बात हो गई। थैंक यू सर। हाँ राजेश भाटिया साहब प्लीज, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? थैंक यू। हाँ थैंक यू दिनेश भाई। मैं तो जो मेरी आवाज आ रही है ना सर? हमारे खिलाफ मत बोलना राजेश जी। नहीं सर, बिल्कुल नहीं बोलेंगे सर, बिल्कुल नहीं। मैं जो देख रहा हूँ सर कि मुझे तो जो लग रहा है कि ये सारी प्राइस है कहीं ना कहीं से परोक्ष रूप से गवर्नमेंट सपोर्टेड है। सरकार बिल्कुल खुश है इस मामले में कि रेट बढ़ रहे हैं, उसकी GST का कलेक्शन हर साल बढ़ रहा है, और जो उनकी 5 trillion इकोनॉमी पहुंचने की सरकार की मोदी जी की जो मंशा है वो शायद पूरी हो जाएगी ऐसी प्राइस हाइक से। ये तो एक विषय है। मोदी जी को भेजा तो राजेश जी आपने अपने जिम्मे है? नहीं, हम सबने भेजा है सर, हम सबने भेजा है। ये तो सर एक विषय है। दूसरा मेरा एक सजेशन है इस पे कि 5-6 आइटम्स हैं ऐसे मेजर जिससे पूरी इंडस्ट्री के रॉ मटेरियल बनते हैं। उसमें आप चाहे तो देख लें, मेटल्स हैं और अपना प्लास्टिक है, पेपर है, कुछ केमिकल्स हैं। ये 5-7-8 आइटम हम कैटेगराइज कर लें और एक एक आइटम के लिए एक छोटी 3-4-5 लोगों की कमेटी बनाए जो इस चीज को देखे। देखिए सारे आइटम्स के रेट बढ़ने का एक ही रीजन नहीं हो सकता, सब चीजों के रेट बढ़ने के अलग अलग रीजन है, तो वो क्या कारण है हम उस पर थोड़ा मंथन करें, फिर हम सरकार के पास जाके बताएं कि देखिए इस रीजन से ये रेट बढ़ रहे हैं, इस कारणों को कहीं ना कहीं खत्म करने की जरूरत है। मेरा ये एक इस विषय में सुझाव। बहुत बढ़िया बात। रजनीश सेठी साहब आपका हाथ खड़ा हुआ है, प्लीज। अध्यक्ष जी बहुत बहुत नमस्कार। नीरज भाई और बाकी सभी पदाधिकारी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार। रजनी जी पर्दे से बाहर आइए। पर्दे से बाहर आ जाऊं सर? अरे सॉरी सर, वीडियो ऑफ हो गया था, सॉरी। असल में रोड पे था इसलिए मैं खड़ा हो गया। सारे लोग रोड पे जा रहे हैं, चिंता मत करो। इस तरह सर जो स्थिति है वो रोड वाली ही स्थिति आ गई है सर। तो सर ये अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स है। जैसे मैं आपको थोड़ा सा अपना जो परेशानियां हैं वो आपसे शेयर करना चाहूंगा। हम लोग बेसिकली पेंट्स बनाते हैं जो हम लोग इंडियन रेलवेज को देते हैं सर। हम लोग के कॉन्ट्रैक्ट्स में कोई भी वेरिएशन क्लॉज नहीं है। जो वेरिएशन क्लॉज है वो है स्टैचुटरी वेरिएशन क्लॉज है सर। नीरज भाई की बात समझी थी कि रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से हम लोग कोई बात कर सकते हैं अगर MSME मिनिस्ट्री में, रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से होगा कि नहीं होगा, एटलीस्ट इमीडिएट इफेक्ट से तो हम लोग वेरिएशन क्लॉज वाली बात को रखनी चाहिए हम लोग को बहुत जोरों से, और आगे से जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हों एटलीस्ट उसमें वेरिएशन क्लॉज वाला इम्प्लीमेंट हो जाए। अब मुद्दा बनता है सर जो पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स हैं हम लोग के पास, उसको हम लोग किस तरीके से एग्जीक्यूट करें और किस तरीके से आगे बढ़ें। अब सर मैं अपना एग्जाम्पल दूँ, अगर मेरे पास एक 50 लाख रुपए का कोई एक सिंगल PO है जिसमें हमने एक 10% की 5 लाख रुपए की गारंटी दे रखी है, चाहे परफॉर्मेंस गारंटी FDR के रूप में या बैंक गारंटी के रूप में, अगर मैं सप्लाई करता हूँ सर तो मैं 20 लाख रुपए का नुकसान झेलता हूँ। तो धीरे धीरे क्या हुआ है पिछले एक महीने में या 45 दिन में 60 दिन में करीब मेरे 5 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे कैंसिल हुए हैं जिसमें कि जो मेरी सिक्योरिटी डिपॉजिट थी वो बेसिकली फॉरफिट हो गई है। तो मैं
एसोसिएशन से अध्यक्ष जी से ये रिक्वेस्ट करूंगा साहब कि जितनी भी पेनल्टी क्लॉजेस लगा रहे हैं, एटलीस्ट जब से ये प्राइस हाइक की सिचुएशन बनी है हमारे एमएसएमई के लिए, एटलीस्ट जो पेनल्टी क्लॉज लग गया है उसको वेव ऑफ कर देना चाहिए इन लोगों को, और कोई भी सिक्योरिटी डिपॉजिट जो इन्होंने इन्वोक कर लिया है या फोरफीट कर लिया है उसको एमएसएमई को वापस दे दिया जाए। और अब चूंकि कॉन्ट्रैक्ट हमारे ऊपर है तो इसका सॉल्यूशन ये है कि हमें एक लंबे समय का एक डिलीवरी पीरियड दे दिया जाए, 180 दिन का या 270 दिन का, जिससे कि अगर स्टैट्यूटरी वेरिएशन क्लॉज ला सकें नथिंग लाइक इट, अगर ना ला सकें तो एटलीस्ट ये प्लान बी में हमारे पास ये होना चाहिए, एटलीस्ट कॉन्ट्रैक्ट में जो हमारी सिक्योरिटी डिपॉजिट्स हैं वो फॉरफिट ना हो और आगे का एक लंबे का डिलीवरी पीरियड शेड्यूल मिल जाए। थर्डली सर, तो मैं एक वर्किंग कैपिटल की बात कर रहा हूँ कि 100 रुपए की चीज आज 170 रुपए में हो गई है, तो हमारी वर्किंग कैपिटल भी 70% बढ़ गई है सर, जिसको बैंक आसानी से अंडरस्टैंड नहीं कर रहा है। कि आज की बात बताऊं सर, मैं आज मैं जीएम लेवल से मैंने बात करी थी एडहॉक के लिए अपने लिए, तो एडहॉक के लिए भी इतनी आसानी से सिचुएशन बैंक राजी नहीं होता है। तो अगर एमएसएमई मिनिस्ट्री के थ्रू अगर कोई इमरजेंसी लाइन ऑफ क्रेडिट हो जाए 10% 20% की, तो एक काफी ब्रीदिंग टाइम मिल जाएगा हम लोगों को। थैंक यू अध्यक्ष जी। राजीव बंसल जी प्लीज। भाई साहब, मैं रजनीश जी की बात से सहमत हूँ बिल्कुल। लगभग मिलता जुलता किस्सा मेरे साथ भी है। मैं इंडियन रेलवे में गैसेस सप्लाई करता हूँ, खासतौर पर आर्गन गैस, जिसके प्राइस 100% बढ़ गए हैं। 100% प्राइस बढ़ गए हैं। मेरे रॉ मटेरियल की जो कॉस्ट है वो 100% बढ़ गई है। अब मैं इसमें आपको जो सुझाव देना चाहता हूँ, क्योंकि कई परेशानियां आप पीछे सुन चुके हैं हम लोग, मेरा सुझाव ये है कि जो करंट टेंडर चल रहे हैं उसके अंदर तुरंत राहत कैसे उद्यमी को मिले, मुझे लगता है उसमें हमें ये करना चाहिए कि उस जो गवर्नमेंट एंटरप्रेन्योर्स है या गवर्नमेंट की जो भी संस्था है उनसे कहा जाए कि आप तुरंत टेंडर करें, आप एक तुरंत टेंडर करें और जो L1 आए, जो L1 का प्राइस आए, आप वो प्राइस जो एग्जिटिंग हमारा सप्लायर मैं हूं अगर, तो मुझको 50% मेरी कार्ड के सप्लाई L1 को दे दें और 50% मुझे सर्वाइव करने के लिए रहने दें। मुझे लगता है इससे तत्काल राहत मिलेगी और उनको भी एक्चुअल रेट से प्राइस बाजार के मालूम चलेंगे जब वो रीटेंडरिंग करेंगे दोबारा। जी आलोक भाई साहब, आलोक जी कुछ कहना चाह रहे थे। सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। एक्चुअली मैं अपनी बात रखना चाह रहा था यहाँ पर कि अभी तक जितनी भी बात हो रही है सब टेंडर्स की बात हो रही है, गवर्नमेंट से बात हो रही है और प्राइस वेरिएशन क्लॉज की बात हो रही है। मैं मेरा फुटवेयर का बिजनेस है, मैं ओपन मार्केट को डील करता हूँ, डोमेस्टिक मार्केट को, और हमारे जो बेसिकली मैं हाउस से एक सजेशन चाह रहा हूँ, क्योंकि जो हमारे यहाँ प्राइसेस थे वो करीब पॉलीमर के प्राइसेस तो करीब 3 गुना बढ़ गए। मई 2020 में मैं जो पॉलीमर 1000 रुपये का ले रहा था, सॉरी 100 रुपये का ले रहा था, वो आज 360 रुपये का है। इसी तरह से जो PVC, जो EVA की बात कर रहा हूँ, इस तरह से DOP है, DVP है और रेजिन है, इन सब में भी दुगने के प्राइसेस, जो 60-70 रुपये का PVC रेजिन था वो आज 150-160 का है। तो बेसिकली प्राइस वेरिएशन क्लॉज हमारे गवर्नमेंट सप्लाईज में तो है, लेकिन आज जो पब्लिक, जो हम जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स, जो हम कंज्यूमर प्रोडक्ट्स को डील कर रहे हैं, मार्केट वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रही। अच्छा, इतना ज्यादा प्राइस हाइक हो गया है कि हम जो फुटवेयर मैन्युफैक्चर करते हैं उसमें अगर मुश्किल से 5% 10% बुला रहे हैं तो भी मार्केट बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर रही। तो सर, इसके लिए हम कैसे इसको अपनी चीज़ों को आगे कैसे फाइट करें, क्योंकि ये नहीं समझ में आ रहा है कि 200% या 150% या 100% रॉ मटेरियल प्राइस बढ़ने में अगर हम 10-15% बढ़ा रहे हैं, और चूंकि ये कंज्यूमर आइटम्स है, मार्केट में डिमांड ही नहीं है या मार्केट में उठानी नहीं है, इसको हम कैसे फाइट करें सर? इसमें क्या करना चाहिए, किससे बात करनी चाहिए, कैसे इसको कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि जितने पॉलीमर्स हैं जबरदस्त। मैं आलोक जी की बात पे कुछ ऐड करना चाहता हूँ, क्या कर सकता हूँ? जी आलोक जी, आपने बात बहुत अच्छी कही है कि जो मार्केट की कंडीशन है वो वाकई बहुत खराब है, डिमांड वाकई ड्राइड है। जब तक डिमांड क्रिएट नहीं होगी तब तक ये जो बढ़ा हुआ प्राइस है वो एक्सेप्ट होगा नहीं, और हम लोग ऐसे ही बैठे रह रहे हैं। एक्चुअली ये हो रहा है, और ये हमारे साथ ही नहीं, ये लगभग सबके साथ हो रहा है, एक्सेप्ट फॉर द पीपल हु आर डूइंग द टेंडर्स, गवर्नमेंट सप्लाईज के लिए कर रहे हैं। एक तो बड़ी चीज है कि डिमांड सप्लाई करना चाहिए गवर्नमेंट को, किस तरह से करती है वो उसको मैनेज करना चाहिए। एक तरीका है कि GST रेट्स कुछ रिड्यूस कर दें, अगर तो एक स्लैब भी अगर किसी का भी प्रोडक्ट का GST स्लैब घटा देते हैं तो कुछ डिमांड बढ़ सकती है। दिस इज वन थिंग व्हिच आई हैड बीन प्रपोजिंग फॉर वेरी लॉन्ग टाइम।
दूसरा एक एक ये जो डीजल है, डीजल जो इंडस्ट्रियल यूज के लिए ले रहे हैं उसको जीएसटी के अंदर लेकर के आया जाए, ये इससे थोड़ा सा हम लोगों को राहत मिल सकती है। थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन एक बार प्रपोज करा जा सकता है बिकॉज इस समय काफी कुछ प्रपोजल्स जा रहे हैं। सिर्फ इंडस्ट्रियल यूज के लिए अगर डीजल यूज कर रहे हैं, फ्यूल यूज कर रहे हैं, तो उस पर जीएसटी हम लोगों को बेनिफिट मिलना चाहिए। और ये जो टेंडर्स वाली बात हो रही है, काफी सारे टेंडर्स डिले हो गए हैं, काफी सारे से टेंडर्स सिर्फ इसलिए डिले हो गए क्योंकि प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गया, हम लोगों ने वेट बहुत लंबा कर लिया लेकिन कुछ से उससे राहत नहीं मिली है। जो डिलेड है उसके लिए एलडी ना लगा करके कुछ टाइम एक्सटेंशन हम लोगों को दिया जाए, सबको दिया जाए, ताकि टेंडर्स एग्जीक्यूट हो सके। और एक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना चाहिए गवर्नमेंट को फॉर द पीपल हु आर कार्टेलिंग, क्योंकि पीछे पीछे कुछ गवर्नमेंट्स ने किया था और वी रियली होप कि शायद ये गवर्नमेंट सुन ले, शायद फाइनेंस मिनिस्टर कुछ इस पे एक्शन ले लें, दैट बी रियली नाइस। दैट इज इट, थैंक यू। सो नाइस। अब चल जी, एक सेकंड, आपने कहा था डीजल के बारे में, मैं आपको निगाह करा दूं। जो लोग डीजल अपनी फैक्ट्री में यूज करते हैं जे फ्यूल के रूप में, सरकार ने उन लोगों को जो लोग जीएसटी के अंतर्गत हैं उनको डीजल स्टोरेज लाइसेंस प्रोवाइड कराए हुए हैं। आपने कराया हुआ ले रखा नहीं रखा मुझे नहीं मालूम, मुझे डीजल बाजार से 15% कम रेट पर मिलता है। तो फ्यूल के जनरेटर्स के लिए मैं बात कर रहा हूँ। मैं जनरेटर्स की बात कर रहा हूँ। अच्छा, मेरा जो टैंकर आता है बाजार से 1.5 लाख रुपए कम पैसे में पहुंचता है मेरे घर। ओके, हाँ, तो इसलिए जिसको जानकारी ना हो तो मैं बताना चाहूंगा कि हम लोगों को एक डीजल स्टोरेज लाइसेंस लेना होता है और उस लाइसेंस लेने के बाद हम बल्क में अपना डीजल परचेज कर सकते हैं डिपो से, जिसमें कि 15% कम टैक्स लगता है। वो जाके मेरा एक टैंकर लगभग 1.5 लाख, मतलब 1,20,000 से लेकर 1,40,000 रुपए कम रेट पे पड़ता है। ओके, तो इसमें जीएसटी का मतलब नहीं है, तो हमारे पास जो सुविधा भी है वो सबसे बेहतर है। थैंक यू सो मच। इसको आप लोग एडिट कीजिए, इसको आप लोग डिस्कशन को अध्यक्ष जी आपकी परमिशन से समराइज करूं। आज जो जो बातें आएंगी, और बहुत सारे लोग होंगे बोलने वाले या समराइज करने की जरूरत। हाँ, मेरे ख्याल में सबके जिनके हाथ खड़े थे सब बोल चुके हैं। और सर मैं एक चीज और बोलना चाहता हूँ। हाँ जी, एक मिनट लूंगा आपका। और ये जिस समय कोविड लोन आया था तो 10% वर्किंग कैपिटल पे शुरू में लास्ट ईयर 10% दिया गया था कोविड लोन। उसके बाद जीईसीएल आया 20%, वो भी बैंकों ने दिया। अभी फिर आ गया है 10% कि 10% जीईसीएल और दे रही गवर्नमेंट। तो बैंकों ने करीब 40% आपकी वर्किंग कैपिटल का ऑलरेडी फंडिंग कर दी है। वापस करना पड़ेगा महेंद्र साहब, आपके पास तो गाड़ी महंगी वाली है, हम लोग तो साइकिल पे चलते हैं। अशोक जी इस बात से बाहर आए, थोड़ा सा अपना इसी मुद्दे के ऊपर रहे, मैं अगर थोड़ा सा इसको आपसे कुछ रिक्वेस्ट करूं। देखिए बातें तो बहुत सारी मेरे ख्याल कवर हुई हैं। एक इसमें यह भी है कि जो गवर्नमेंट परचेज वाला है और ये भी है ओपन मार्केट की जो प्रॉब्लम्स हैं, दोनों चीजें आपके सामने आई हैं। हमें इसके ऊपर एक पेपर बनाना पड़ेगा और इसके ये भी देखना पड़ेगा कि कारण क्या है, क्योंकि मैं अभी ये देख रहा था जिंदल वालों के इधर जो प्रॉफिट्स हैं वो 4.5 गुना बढ़ गए हैं। इसका मतलब ये है कि जो ये कह रहे हैं कि ये कोई क्राइसिस आई है, क्राइसिस नहीं है, या तो कोई कार्टल बन गए बड़ी बड़ी कंपनियों के, या इन्होंने अपने प्राइसिंग मिल के पॉल बढ़ा लिए, जो भी कारण हो। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसके ऊपर स्टडी करनी चाहिए हमें और सरकार पे एक तो सबसे पहले करिए, एक सेक्रेटरी एमएसएमई एक एसओएस लेटर भेज दीजिए कि साहब हम इस विषय पे तुरंत मिलना चाहते हैं। तब तक अपना कागज बनाते रहें, अगर समय दे दें तो कुछ भी करके हमें तुरंत का तुरंत मिलना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी बात जो आई है प्राइस वेरिएशन क्लॉज एक स्टैंडर्ड क्लॉज बन जाए। बहुत सारे बातें आई जो पहले थी या नहीं थी, टेंडर जो पेंडिंग हो, जो करंट रेट से प्राइस वेरिएशन होगा तो मिल जाएगा उनको, कि ये जो क्राइसिस वाला टाइम है उसका सबको इसका सोल्यूशन देना ही चाहिए, नहीं तो बहुत बड़ी सिकनेस आने वाली है, यहाँ बहुत बड़ी उद्योग की प्रॉब्लम होने वाली है। तो ये एसओएस एक लेटर आप जरूर डाल दीजिए, स्टेट गवर्नमेंट में भी डालिए, उनसे भी डालिए, और अगर हो अपने मंत्रियों से भी मिलना चाहिए इस बारे में जरूर। ये मेरा सुझाव आपको है। और ये अभी जिंदल का 4.5 गुना प्रॉफिट बढ़ गया इधर हाल में, तो ये संज्ञान में ले लीजिएगा जब भी कोई स्टडी कर रहे हो। सर जितने रॉ मटेरियल सप्लाई करने वाले लोग हैं सबने प्रॉफिट वो जम के बढ़ा लिया है,
ये हमारी कई कई इनपुट वालों से बात हुई है अनिल भैया, नहीं अपना आई डोंट एग्री विद दिस। चाइना से स्टील का इंपोर्ट जो है वो बंद कर दिया गया है, तो लोकल कंपनीज जितनी भी हैं जैसे जिंदल स्टेनलेस स्टील या रिमझिम स्टील, इन सब ने अपनी प्रोडक्शन 4-4 गुना बढ़ा ली है। अगर हम इम्पोर्ट दोबारा खोल दें तो ये प्राइसेस कम हो जाएंगे। नहीं नहीं, मैं तो यही कह रहा हूँ आपसे, हमें इसको स्टडी करके सरकार को उसके बाद भी कहने चाहिए कि वो बढ़े प्राइस जी, और उसके लिए समाधान अगर इम्पोर्ट बंद है तो इम्पोर्ट खोलना चाहिए जो भी हो, प्राइसों को धीरे धीरे इन्होंने खोलना चाहिए जी सर। एक तो इम्पोर्ट खोलना चाहिए, यहाँ पे बैठ के ये कहते हैं स्क्रैप का एक्सपोर्ट बैन करना चाहिए। सर ये ऐसे उचित नहीं है, इसके ऊपर स्टडी करके हम नई पेपर देंगे तब तक उचित नहीं होगा। मैंने तो जो संज्ञान में बात आई थी वो बता दी, तो इसको स्टडी जरूर कर ले कि भाई पढ़ने के कारण और उसका सोल्यूशन, दो चीजों की बात कीजिए और एमएसएमई को ध्यान में रखकर बात किया करें। सर कई इंडस्ट्रीज बंद हो, जैसे स्टरलाइट बंद हो गई, मैंने पिछले साल 434 रुपए केजी में कॉपर खरीदा था, आज 900 रुपए केजी हो गया है। अब वो एक तो इंपोर्ट बंद हो गया, चाइना खरीद उल्टे खरीदने लग गया बजाय जो एक्सपोर्ट करता था, और यहाँ स्टरलाइट बंद कर दी, तो जो अपना इन होम प्रोडक्शन था वो भी घट गया। तो गवर्नमेंट को जो अपनी इंडस्ट्रीज है उनको चलाए, इंडिया की इंडस्ट्री भी बंद हो गई, इम्पोर्ट हो नहीं रहा है और वो इंडियन इंडस्ट्रीज भी बंद कर दी। अगर ये सब विद हम्बल रिगार्ड मैं इस बात को यहाँ समराइज करना चाहूंगा सर, प्लीज अलाउ मी टू स्पीक। व्यक्ति आपकी परमिशन है मैं बोल सकता हूँ? दिनेश जी अभी मुझे भी कुछ बोलना है। प्रदीप गुप्ता जी बोलना चाह रहे हैं, प्रदीप गुप्ता जी बोलना चाह रहे हैं, कहना चाह रहे हैं कुछ। प्रदीप जी आप बोले जरा। सभी को नमस्कार सर, मैं इसमें ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारा एमएसएमई वर्ग जो है वो, अगर हम बात करें तो इंडिया में कृषि के बाद सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला और सबसे ज्यादा लोगों के साथ जुड़ा हुआ एक वर्ग है। और जैसे कृषि को गवर्नमेंट सपोर्ट की जरूरत है, ऐसे वक्त टाइम पे एमएसएमई को भी जरूरत पड़ती है। हमें एक रिप्रेजेंटेशन में ये बात ऐड करनी चाहिए कि आप इसको एमएसएमई वर्ग को इस तरह अनाथ की तरह से नहीं छोड़ सकते। जैसे कृषि में होता है कि जब भी कोई चीज की तेजी आती है या मंदी आती है, मान लीजिए जैसे हम बात करें अभी ऑयल की तेजी आई है, तो वो एकदम से एक्सपोर्ट बंद कर देते हैं। हर लेटर का ओपनिंग सेंटेंस ही है हम लोग जी, लेकिन इसमें क्या हो रहा है ना सर, इसमें सर क्या हो रहा है, आपके पास डायरेक्ट सजेशन है ओपन मार्केट बताइए। इसमें सर मैं बात करूं कि हमारे पेपर लगता है हमारे यहाँ पे, तो पेपर पे उन्होंने एंटी डंपिंग, ऐसे मौके पे जिस टाइम पेपर तेज हो रहा है उसमें एंटी डंपिंग ड्यूटी और लगा दी है, जो कि कायदे में इस वक्त उल्टा उनको रिलैक्सेशन देना चाहिए था इंपोर्ट के लिए। ऐसे ही मेलामाइन लगता है, मेलामाइन पूरे इंडिया में एक कंपनी बनाती है जीएसएफसी, जिसका आज की रेट में 4 गुना रेट हो गया पिछले 6 महीने के अंदर, मतलब 4 गुना तो मिनिमम है, उसके ऊपर फिर ब्लैक भी खा रहे हैं जो लोग। तो ये जबकि गवर्नमेंट की कंपनी है वो जीएसएफसी, गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन, तो गवर्नमेंट मतलब भी चाह रही है कि भाई इसको मतलब एमएसएमई को अनाज छोड़ दो, तो इसके लिए तो स्ट्रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन इस तरह से अगर हम दिए कि भी कृषि की तरह इसको सपोर्ट करे तभी काम चलेगा सर। दीपक बजाज जी प्लीज। अध्यक्ष जी, सर अध्यक्ष जी सभी को मेरा नमस्कार। और जैसे बात हो रही है तेजी की, तो हर चीज में ही जैसे आग लगी हुई है, लेकिन मैं आपका ध्यान जो है फूड आइटम्स पे दिलाना चाहूंगा कि हमारा देश जो है गेहूं में आत्मनिर्भर है और सरकार के पास गेहूं का बफर स्टॉक है, उसके बावजूद भी जो आफ्टर कोविड इतनी बड़ी तेजी क्षेत्र में आई है कि खाने पीने के आइटम की इंडस्ट्रियां भी सर्वाइव करना मुश्किल हो गई है। आज सरकार जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट सरकार की जो पॉलिसी है उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, और उनका जो एक्सपोर्ट हो रहा है उसको सरकार को या तो बंद करना चाहिए या उस पर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगानी चाहिए, और गेहूं से बनने वाले जो उत्पाद हैं आटा मैदा उस पर सरकार को सब्सिडी देनी चाहिए, जिससे क्या है कि रोजगार भी बढ़ेंगे और फ्लोर मिले भी अच्छे से चल पाएंगी। इसी तरह अन्य खाद्यान्न आइटम, चाहे वो तेल हो घी हो, हर चीज में ही बेताशा वृद्धि हो रही है, जिससे उद्योगों के समक्ष एक भारी संकट खड़ा हो गया। तो मैं इसी मुद्दे पे आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि एक्सपोर्ट में जो है गेहूं पे कहीं ना कहीं बैन लगाया जाए,
नहीं तो जो भारत की इंडस्ट्रियां हैं वो एक बड़ी संख्या में जो है नुकसान में चल रही है और लगभग लोग हाशिए पर है। धन्यवाद जी, बहुत बढ़िया। जसवंत सिंह जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी सर, अध्यक्ष जी और सबको नमस्कार। सर हमारा छोटा सा है सबसे संबंधित वही है, रॉ मटेरियल सर हमारा बहुत तेज हो गया है, बिस्किट इंडस्ट्री लॉस पे चल रही है, तो इसलिए मैं आपको लिख के भेजूंगा, इसके लिए कुछ हमारी छोटी छोटी इंडस्ट्री के लिए या तो जीएसटी में रिलीफ मिले या फिर कुछ लिख के हम लोगों को कोटा मिले, इसके लिए बाकी मैं आपको सब लिख के भेजता हूँ सर। थैंक यू। चलो भाई दिनेश जी आप समराइज कीजिए। हाँ मैं समराइज कर रहा था सर, बेसिकली सबसे बड़ी बात आई कि स्टडी ठीक से होनी चाहिए ये ग्लोबल प्राइसेस और दूसरी प्राइसेस को, और गवर्नमेंट से हम रिक्वेस्ट करेंगे जहां पर इंपोर्ट करने की जरूरत है वहां इंपोर्ट खोलें और जहां एक्सपोर्ट करने की जरूरत है वहां एक्सपोर्ट्स को खोलें जिससे काम हो। एक्सपोर्टर्स के भी पॉइंट पर एक पॉइंट आया कि उनको प्राइस वहां नहीं मिलेगा, हालांकि ग्लोबल प्राइसेस भी बढ़े हैं हर एक चीज के, स्पाइट ऑफ दैट वो भी हमारी स्टडी का पार्ट बन सकता है। और उस ग्लोबल प्राइस में बढ़ने में अगर मान लीजिए उन्हें कोटा चाहिए, वो कोटे की डिमांड आई थी कि स्टील का कुछ कोटा ऐसा हो कि जो उससे वो अपने प्रेजेंट ऑर्डर्स को पूरा कर सके या किसी चीज के भी कोटे को, तो उसके लिए बात आने की बात हुई थी। अदरवाइज मेनली टेंडर वेरिएशन क्लॉज की बात है फाइनेंशियल सपोर्ट में, जैसा एम के अग्रवाल साहब ने बताया कि 10% सीसी और बैंक देने को तैयार है, वो चीज काफी कुछ पूरी होती है। एक पॉइंट बहुत अच्छा आया कि पेनल्टी क्लॉज और सिक्योरिटी फॉरफिट नहीं होनी चाहिए इस वजह से, एंड वी शुड हैव अ ग्रेसफुल एग्जिट अगर हम नहीं करना चाहते। कोल पर बात लिखी जानी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कोल पर बात, कोल को हालांकि गवर्नमेंट भी बहुत कंट्रोल करके देख रही है, उसके हिसाब से देखें हमें पॉजिटिव चलना है और हमें प्राइस मार्केट से लेने की कोशिश करनी है या गवर्नमेंट से लेने की, जो भी गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट है उससे लेने की कोशिश करनी है, ना कि अपने साथियों के बारे में। एक बात शुरू में ही आई थी कि ना कि उन चीजों को कंट्रोल करने के बारे में, क्योंकि उनके भी खनिज वगैरह सब चीजें बढ़े हैं और हमें इसकी रेगुलर परफॉर्मेंस करनी है। और एक आलोक जी ने रिक्वेस्ट करी कि ओपन मार्केट में कैसे हम शिरकत कर सकते हैं, इसके विषय में हमें विचार करना चाहिए। और कहीं ना कहीं मार्केट स्टडी में एक बात आई थी कि जैसे पंकज सर ने बोला था कि प्रोडक्शन प्राइस इंडेक्स जो आरबीआई के इंडस्ट्रियल इंडेक्स है उसके आधार पर कहीं ना कहीं वो एक्सपोनेंशियल क्लॉज को सिलेक्ट करें गवर्नमेंट को, तो शायद हमें उससे लिंक करने से हम लोगों को काफी बेनिफिट होगा। ये चीजें कुछ मैंने ऑब्जर्व करी है। बाकी सर आप प्लीज अपने ओवर टू अध्यक्ष जी प्लीज। एक मिनट अध्यक्ष जी, एक बात और मैं भी कहना चाहूंगा। दिनेश जी एक चीज मिसिंग है, रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ टेंडर्स, जो प्रोक्योरमेंट हुआ है गवर्नमेंट का उसको रीस्ट्रक्चर करने का मतलब यह है कि दोबारा से उसकी जो प्राइसेस हैं उनको इवेल्युएट करना। ये हम गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, जैसे एनएचआई कर रहा है सर। एब्सोल्युटली रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ टेंडर, तो ये स्पेशली पीएसयूज के लिए बहुत आवश्यक है। राजीव बंसल जी, जी भाई साहब। हाँ एक पॉइंट जो आज रिवाइज नहीं हुआ सर, कमोडिटी इंडेक्स, जो कमोडिटी वो है एक्सचेंज, उस पर ट्रेडिंग बंद कराई जाए। ये पॉइंट सजेशन में आया हुआ है, आज डिस्कशन में नहीं आया। कोई बात नहीं, ठीक है। मेसन में सभी लोग बोल चुके हैं, मैं समझता हूँ कि इतने कम समय में बहुत जल्दी ये हम लोगों ने, सब लोगों ने मिलके जो आप लोगों ने विचार रखे इमीडिएट इस पर मंथन करने के लिए आप लोगों का सहयोग मांगा, और निश्चित रूप से ये मील का पत्थर साबित होगा। हम लोग जैसे भी है, जिस तरह से भी है, चाहे किसी अच्छे कंसल्टेंट से आपस में मिलके और आप लोगों के सहयोग से अच्छे रिप्रेजेंटेशन जल्दी जल्दी तैयार करेंगे और कोशिश करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट में भी अपनी बात रखने के लिए और स्टेट गवर्नमेंट में अपनी बात रखने के लिए, और जल्दी ही इसका एक पेपर तैयार कराएंगे ताकि हम लोग अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हर जिले में अपनी बात को रख सकें, और ज्ञापन के रूप में भी हम लोग जिलाधिकारियों को जगह भेजें, अपने एमपी एमएलए को भी दें कि ये हालात है इस पर विचार किया जाना चाहिए, शायद ज्यादा बेहतर होगा। एकरूपता रहेगी हर चीज में तो सब जगह से इसकी सुनवाई भी हो सकती है, ऐसा मेरा मानना है। और सभी लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही हैं, लेकिन जो चीजें बियॉन्ड, मतलब चाहे सरकार नहीं कर सकती, हम लोग नहीं कर सकते,
बात अपनी जगह है, लेकिन जब हम अपना दुखड़ा रोएंगे, अपनी बताएंगे कि एमएसएमई किस तरह से सफर कर रही है, बंद होने जा रही है, बर्बाद होने जा रही है, तो निश्चित रूप से अभी मेरे भाइयों ने कहा था कि कृषि के बाद सबसे पहले बाद में हम लोग आए, और देखा जाए तो कृषि से पहले भी हम लोग आए। कृषि में जो चीजें यूज होती हैं, चाहे वो यूरिया है, चाहे उसमें बीज है, चाहे खाद है, हर जगह हम लोग हैं, सुनवाई नहीं है। आज देखिए जैसे गन्ना, जैसे पानी ज्यादा गिरा, धान की जो नुकसान हुए किसानों के, इस समय हर जिले में 1,000 कमेटियां बना दी गई हैं कि किसका कितना धान का नुकसान हुआ, उसको सब्सिडाइज करने के लिए सरकार द्वारा, क्योंकि वो लोग बल्क में है, इकट्ठे हैं, हम लोगों की सुनवाई नहीं हो रही, क्योंकि हम लोग निश्चित रूप से हम लोग अपनी बात को रखेंगे और आप लोगों का फिर पूरा सहयोग लेंगे और इसका एक अच्छा लेटर तैयार करेंगे, आप लोगों के साथ शेयर भी करेंगे, और निश्चित रूप से बेहतर अच्छे सुझाव आए हैं, कुछ ना कुछ इसका रिजल्ट जरूर आना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। मैं आलोक जी से रिक्वेस्ट करूंगा, अध्यक्ष जी अगर आप कहें तो मैं वोटो थैंक्स के लिए आलोक जी से रिक्वेस्ट कर लूं। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सभी लोग। आलोक जी हमारे ट्रेजर महोदय से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया एक वोट ऑफ थैंक्स पारित करें। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ वोट ऑफ थैंक्स देने के लिए किया है। सबसे पहले मैं दिनेश जी का धन्यवाद दे रहा हूँ कि उन्होंने मुझको वोट ऑफ थैंक्स देने के लिए नामित किया है। और आज की मीटिंग सर बहुत बढ़िया रही और वाकई में एक बहुत इन्फॉर्मेटिव मीटिंग थी, और मेरे को लगता है कि जिस हिसाब से सब लोगों के सजेशन आए हैं, सब लोगों के सजेशन हम लोग उसको कंपाइल करके आगे देंगे अध्यक्ष जी के माध्यम से, तो शायद इन चीज़ों को हम आगे किसी निष्कर्ष में निकाल पाएंगे। तो मैं सभी लोगों को, आए हुए सभी हमारे पास प्रेसिडेंट्स, हमारे चेयरमैन, डिविजनल चेयरमैन और हमारे अध्यक्ष जी, हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब, सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और बहुत मेहनत करी पीपीटी तैयार कराने में और पूरी प्रेजेंटेशन देने में और सबके सजेशन मंगवाने गूगल फॉर्म में, उनका स्पेशल धन्यवाद करते हैं। एग्जैक्टली सर, उनका बहुत बहुत स्पेशल धन्यवाद। उन्होंने गूगल फॉर्म बनाया और गूगल फॉर्म पे लोगों के 40 लोगों के उसके सजेशंस भी आए, उसको उन्होंने कंपाइल करा, और मैं अपने सीनियर वीपी, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट श्री नीरज सिंगल जी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इतनी मेहनत करी, और उस मेहनत का नतीजे हम लोग डेफिनेटली आगे आने वाले टाइम में उसको ऑब्जर्व करेंगे, क्योंकि मेरे को लगता है ये जो प्राइस हाइक है या जो प्राइस इन्फ्लेशन है, ये अभी शॉर्ट टर्म नहीं है, लगता है कि अभी ये 6 महीने आगे बढ़ेगी। तो हम लोग अगर अपनी तैयारी कर लें और हम लोग अपनी पूरी वर्क स्टडी करके इसको गवर्नमेंट तक पेश करें, तो शायद कुछ ना कुछ हमारे को सोल्यूशंस मिलेंगे, और मैं उम्मीद करता हूं फिर से हम लोग इसी तरह की एक अच्छी बैठक करेंगे और लोगों को निष्कर्ष पे, चीजों को निष्कर्ष पर लेके आ पाएंगे। आलोक जी, मैं सभी उन मेंबर्स का भी कहना चाहूंगा जिन्होंने सुझाव भेजे थे, तो प्लीज उनका भी धन्यवाद। और हेड ऑफिस प्रेजेंट हमारे स्पेशल हेड ऑफिस के हमारे जिसने कंपाइल किया और कंपाइल करके हमको एक पीपीटी बनाया और आज पीपीटी बना के प्रेजेंट आज हमारे साथ बीच में मौजूद है, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू वेरी मच, फिर नमस्कार, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार नमस्कार साहब, नमस्कार सब, जय श्री कृष्ण, सभी को प्रणाम, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।